इमरान खान इलेक्शन कमीशन से सुरखरू हुए, अदालत में भी सुरखरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। शेख रशीद बोले, फंडिंग केस खोदा पहाड़, निकला चूहा साबित हुआ। कौम इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला सुनने को तैयार नहीं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रद्द अमल में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई को नाअहल करार देने का ख्वाब देखने वालों को मायूसी हुई। वफाकी हुकूमत के हर कदम का कानूनी तरीके से दिफा करेंगे। इमरान खान ने ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर बयान हलफी जमा कराया। कामयाबी हुई है कि हमारा मौके दुरुस्त साबित हुआ कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। जो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनका मुफस्सल जवाब देंगे और कई चीजें हैं जिन पे हमें एतराजात हैं, हम उसे चैलेंज करेंगे। शेख रशीद अहमद ने ममनुआ फंडिंग केस को खोदा पहाड़, निकला चूहा करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला कौम सुनने को तैयार नहीं। ये खेड़ा पहाड़, निकला चूहा, वो किसी की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान इस वक्त मकबूल और मजबूत लीडर है और उसके खिलाफ जो भी आप फैसला करेंगे कौम सुनने के लिए तैयार नहीं। शेख रशीद का कहना था 14 जमातों की सियासी साख आज राख बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।